GeForce GT710 NVIDIA की GPU के साथ अवेलेबल सबसे सस्ते ग्राफिक्स कार्ड्स में से एक है। ऑलमोस्ट 2,000 से 3,000 रुपए के अंदर आपको ये ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में मिल जाते हैं। यहाँ पे जो GPU यूज़ किया गया है, यानी कि जो ग्राफिक्स प्रोसेसर यूज़ किया गया है, वो है GK208301A1 और इस ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर आपको 2GB की भी रैम देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या गेमिंग के लिए ये ग्राफिक्स कार्ड सही है? क्या आपको 3,000 रुपये एक ऐसे ग्राफिक्स कार्ड के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? आइए आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोमोजीत, आप देख रहे हैं गीकी सोमो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं, गेमिंग के लिए ये ग्राफिक्स कार्ड नहीं बना है। जो मॉडर्न गेम्स है उनको आप इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ नहीं खेल पाओगे, या तो फ्रेम रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, या फिर जो वीडियो क्वालिटी है, जो विजुअल क्वालिटी है, वो इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि गेम एंजॉय करने की लायक ही नहीं बचेगा। पर आप 6 से 7 साल पुराने गेम्स को इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ मीडियम या फिर लो सेटिंग्स पे 720p में भी खेल सकते हो। कोई गारंटी नहीं है कि हर गेम चलेगा, पर कुछ गेम्स ऑब्वियसली आप खेल सकते हो बिना किसी लैग के। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जो फ्रेम रेट मिल सकते हैं वो है 30fps से लेके 50fps के अंदर। इससे ज़्यादा आप लो सेटिंग्स पे भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मॉडर्न टाइटल्स इस ग्राफिक्स कार्ड में चलेंगे ही नहीं। यहाँ पे कुछ गेम्स ऐसे हो सकते हैं जो मे बी मीडियम या फिर लो सेटिंग्स में चल जाए, मॉडर्न गेम्स भी, जैसे कि फोर्टनाइट या फिर GTA 5 जैसे जो गेम्स हैं वो यहाँ पे चल सकते हैं मीडियम सेटिंग्स पे या फिर लो सेटिंग्स पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शैडो ऑफ द टॉम रेडर की, तो मीडियम सेटिंग्स तो छोड़ो, लो सेटिंग्स पे भी ये गेम ठीक से यहाँ पे नहीं चलेंगे। तो ये डिपेंड करता है गेम टू गेम कि कौन सा गेम कितना परफॉर्मेंस मांगता है। तो यहाँ पे आपके मन में शायद सवाल आ रहा होगा, तो आखिर इस ग्राफिक्स कार्ड को बनाया ही क्यों गया है, ये ग्राफिक्स कार्ड आखिर किस तरह की यूजर्स के लिए है? जैसे कि यहाँ पे आप सभी को पता है कि आजकल के जो CPUs आ रहे हैं, जो बिल्कुल मॉडर्न CPUs हैं, यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है वो बहुत अच्छा होता है। पर पुराने टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। तो अगर किसी यूज़र के पास एक बहुत ही पुराना कंप्यूटर है और उसके कंप्यूटर की मदरबोर्ड में अगर PCIe Express स्लॉट अवेलेबल है, तो वो GT710 ग्राफिक्स कार्ड के हेल्प से अपने कंप्यूटर की जो ग्राफिक्स परफॉर्मेंस है इनको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है, जिससे वो 6 से 7 साल पुराने गेम्स को मे भी उसमें चला सकता है। उसके साथ साथ जो डेली टू डेली टास्क हम हमारे कंप्यूटर्स में करते हैं, जैसे कि म्यूजिक सुनना या फिर मूवीज देखना, यूट्यूब देखना, या फिर कुछ और काम भी हो सकता है जैसे कि वर्ड एक्सेस करना, एक्सेल एक्सेस करना, या फिर ब्राउजिंग करना, तो ऐसे कामों में उस यूज़र को बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा इस ग्राफिक्स कार्ड की वजह से। GT710 ग्राफिक्स कार्ड की वजह से उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई यूज़र चाहता है अपने पुराने कंप्यूटर में मल्टीपल डिस्प्लेस को कनेक्ट करना, तो इस तरह की सिचुएशन में भी GT710 काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पुराने टाइम पे HDMI अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे जो पुराने मदरबोर्ड से वहाँ पे भी HDMI का कोई भी पोर्ट नहीं रहेगा, वहाँ पे ज़्यादातर VGA पोर्ट ही हमें देखने को मिलता था पुराने टाइम पे। तो अगर कोई यूज़र अपने कंप्यूटर की PCIe Express स्लॉट में GT710 ग्राफिक्स कार्ड को लगाता है, GeForce GT710 ग्राफिक्स कार्ड को लगाता है, तो उसको वहां पे HDMI पोर्ट की ऑप्शन मिल जाती है, जिससे वो अगर चाहे तो हाई रेजोल्यूशन पे वीडियोस को देख सकता है और पिक्चर क्वालिटी में भी उसको काफ़ी एनहांस देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली जैसे कि आप सभी को पता है कि VGA के मुकाबले में HDMI में पिक्चर क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव होती है। उसके साथ साथ मल्टीपल डिस्प्लेस को कनेक्ट करने का ऑप्शन तो रह ही जाती है, क्योंकि GT710 में आप 3 डिस्प्लेस को साइमल्टेनियसली चला सकते हो। इसके अलावा भी GeForce GT710 ग्राफिक्स कार्ड को आप एक और काम के लिए खरीद सकते हो, वो है अपने कंप्यूटर की टेस्टिंग के लिए। कहने का मतलब है, जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल बहुत सारे ऐसे CPUs अवेलेबल है जहां पे किसी भी तरीके का कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं होता है। तो बिना इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के अगर आप उस CPU को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हो और बाद में उस मदरबोर्ड के साथ आप अपने मॉनिटर को कनेक्ट करते हो, तो बिना ग्राफिक्स कार्ड के इस टाइम पे आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्ले नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन तो बनी सकता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक जाइगेंटिक ग्राफिक्स कार्ड है, फॉर एग्जांपल 2080 Ti, तो ऐसे अगर एक ग्राफिक्स कार्ड है आपके पास और आपने एक सिस्टम बिल्ड किया है और वो सिस्टम चल रहा है और कुछ दिनों के बाद आप कुछ प्रॉब्लम देख रहे हो अपने सिस्टम में, तो इस टाइम पे ट्रबल शूट करने के लिए कि कौन से हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, मतलब कि CPU में प्रॉब्लम है या फिर मदरबोर्ड पर प्रॉब्लम है या फिर ग्राफिक्स कार्ड में प्रॉब्लम है, तो कौन से कंपोनेंट पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप ऐसे ग्राफिक्स कार्ड को खरीद सकते हो। सिचुएशन कैसे बनेगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने मदरबोर्ड पे CPU को कनेक्ट किया है, इसके बाद आप अपने जो 2080 Ti ग्राफिक्स कार्ड है इसको मत लगाइए, इस टाइम पे लगाइए GT710। अगर कंप्यूटर ठीक से चल रहा है तो आप ये बिल्कुल कन्फर्म हो जाओ कि आपके ग्राफिक्स कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, 2080 Ti में भी कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा हो सकता है। और अगर आप GT710 ग्राफिक्स कार्ड को लगाने के बाद देख रहे हो कि फिर भी कंप्यूटर में कोई अलग अलग इश्यूज आ रहे हैं तो इस टाइम पे मे बी आपका मदरबोर्ड फॉल्टी हो सकता है और CPU में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे ट्रबल शूटिंग के लिए भी आप GT710 ग्राफिक्स कार्ड को खरीद सकते हो। और हाँ, अगर आप एक होम मीडिया सर्वर या फिर एक लो एंड पर्सनल कंप्यूटर बना रहे हो तो इस टाइम पे भी ऐसे ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी हैंडी आ जाता है। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने एक CPU खरीदा है AMD की Ryzen 3 1200। इस CPU में किसी भी तरीके का कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है और बिल्कुल बेसिक यूजर्स को ध्यान में रख के इस CPU को डिज़ाइन किया गया है। और अगर आप Ryzen 3 1200 के साथ GT710 ग्राफिक्स कार्ड को यूज़ करते हो तो आप बहुत ही सस्ते में एक PC बिल्ड कर सकते हो। ऑब्वियसली इस टाइम पे आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है GT710 वो आपके CPU को बॉटलनेक करेगा, पर आप काम कर सकते हो, आपके काम करने का लायक बन जाएगा आपका कंप्यूटर। इसके बाद आप फ्यूचर में कभी अपने ग्राफिक्स कार्ड को अपडेट कर लेना, पर आपका सिस्टम बिल्ड हो जाएगा। यहाँ पे एक बात का आप ऑलवेज ध्यान रखें कि GeForce GT710 गेमिंग पर्पस के लिए नहीं है। इस ग्राफिक्स कार्ड से आप अच्छा खासा गेमिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल मीडियम और लो सेटिंग्स पे गेमिंग होगी, उसके साथ साथ आपको कुछ केसेस में फ्रेम ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। उसके साथ साथ 3D रेंडरिंग या फिर वीडियो एडिटिंग जैसे काम भी इससे नहीं होगा। मे बी आप फोटोशॉप वगैरह चला सकते हो, फोटोशॉप शायद ठीक से वर्क कर जाए, मे बी अगर आप बहुत ज़्यादा लेयर्स के साथ काम करोगे तो ठीक से नहीं चलेंगे, पर अगर आप बेसिक जो काम रहती है फोटोशॉप में उसमें आप कर सकते हो, उसमें GT710 अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि GeForce GT710 ग्राफिक्स कार्ड को आपको कब खरीदना चाहिए और कब इस तरह के ग्राफिक्स कार्ड्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप गेमिंग के लिए ग्राफिक्स कार्ड खरीदना ही चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऐसे सस्ते ग्राफिक्स कार्ड्स के चक्कर में मत पड़िएगा। आप थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद आप GTX 1650 जैसे जो ग्राफिक्स कार्ड है, 1650 या फिर 1660 जैसे जो ग्राफिक्स कार्ड है, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे ग्राफिक्स कार्ड आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा। या फिर अगर आप चाहते हो पुराने जनरेशन पे जाना, जैसे कि GTX 1050 या फिर GTX 1060 जैसे जो ग्राफिक्स कार्ड्स थे, इनको भी आप परचेस कर सकते हो। बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कोई ग्राफिक्स कार्ड खरीदने जा रहे हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेरे पर्सनल जो फेवरेट ग्राफिक्स कार्ड्स है इनका लिंक दे दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे होगा तक मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।